नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये जानते हैं सिपाही और दुर्गा भर्ती के लिए आखिर आपको कितना इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक ओर जहां सरकार यह कह रही है कोई भी फाइल एक टेबल पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में ही एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच चंद किलोमीटर का सफ़र तय करने में फाइलों को कई दिन लग जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आए और 30,000 सिपाहियों की भर्ती शुरू हो, लेकिन कैबिनेट से सिपाही भर्ती के नियमावली संशोधन के पश्चात 1 सप्ताह हो गया है और फाइल अब तक भर्ती बोर्ड के पास नहीं पहुंची है। सूत्रों की माने भर्ती बोर्ड प्रक्रिया को सिपाहियों की भर्ती के लिए DGP मुख्यालय से नियमावली और अध्याचन का इंतजार है। अध्याचन यानी DGP कार्यालय की ओर से जारी होने वाली वैकेंसी की डिटेल भी भर्ती बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अध्याचन प्राप्त होते ही भर्ती बोर्ड विज्ञापन जारी कर देगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बारे में DGP मुख्यालय का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दरोगा भर्ती 2016 की सीधी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए STF की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन पेपर लीक होने का खुलासा होने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पता चल सके कि लीकेज कहाँ है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इस मामले की जांच कर रही STF के अधिकारियों ने शुरुआत में काफ़ी तेज़ी बरती, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जांच ठंडे बस्ते में आ गई। STF के सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने दावा किया था कि वह सभी वांछित डाटा STF को उपलब्ध कराएगी, लेकिन STF ने जब उनकी IP की डिटेल मांगी जिससे ऑनलाइन परीक्षा कराने वाले सेंटर का निर्धारण किया जा सके, तो कंपनी के पास डाटा उपलब्ध नहीं था। ऐसे में इस पूरे मामले में पेपर लीक कराने वाले अभियुक्तों तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, यही कारण है कि आप लोगों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो रुकी हुई है और भर्ती आने की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, जब भी भर्ती आए तो सिलेक्शन लेना आपका काम है, तो प्लीज़ तैयारी करते